मॉर्निंग स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोयम। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है सार या किसी भी जो लेसन या है या कोई भी कविता है उसका क्या सारांश है, क्या शीर्षक है, उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो आज हम कविताओं का जो संक्षिप्त रूप है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पोयम वन का जो है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ And with one traveler along, I stood and looked down one as far I could to where it bent in the undergrowth and just for fear and heavy, perhaps a better clue. अब क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए बी सी दिए हैं। ठीक है, द पोएट इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वेयर द रोड फॉर इनटू, इसका सही उत्तर होगा टू रोड। फिर द पोएट डिड नॉट चूज द रोड ऑन विच मोस्ट ऑफ द आप अपने जीवन में हर चीज आपको फेस करना है, लेकिन आपको चॉइस खुद से करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा मार्ग चलना है। फिर बी बी पोर्शन है, फिर से ये क्या है, कविता है। ठीक, कविता लिखी, आई शाल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस इन टू रोड्स ट्रैवल इन अ रोड वुड आई टुक वन लेस ट्रैवल पर एंड दैट हैज मीट ऑन द डिफरेंस। अब इसके क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, आंसर्स भी दिए। व्हाई डू द थिंग द पोएट सेज दिस विद अ साइन, द साइन कुड सिग्नल थिंग्स A sign happiness because of the right choice of good to be sign here is made the wrong choice. अब second का जो उत्तर था वो true और divert। अब poem two पे आते हैं, poem two के लिए poem two का नाम है wind, इसका मतलब होता है हवा। Don't break the shutters, wind। बच्चों, हवा जो क्या होती उसको कवि ने किस प्रकार व्यक्त किया है कि बहुत धीरे से आओ और जो है शटर्स हैं घर के दरवाजे खिड़कियां मत तोड़ो, पन्नों को मत बिखेरो और बुक को शेल्फ से अलग मत करो। इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन है, इन द अबव लाइंस द पोएट मेक अ रिक्वेस्ट टू, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है किस हवा के लिए। फिर राइट एनी टू एक्टिविटीज ऑफ द वन, मतलब हवा की दो जो है एक्टिविटी क्रिया विधि बताएंगे, स्कैटरिंग ऑफ पेपर, पेपर को क्या करती है बिखेरती है, थ्रोइंग डाउन बुक्स फ्रॉम द शेल्फ से बुक्स को क्या करती है अलग करती है, फिर ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम अ एक्सट्रैक्ट विद अ मीन टोन एंड डिफरेंट डायरेक्शन स्कैटर। फिर इसी प्रकार पोएम टू का जो सेकेंड पैराग्राफ है, लेट्स जॉइन द डोर फॉर्मली प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हार्ट सीट फास्ट डू दिस एंड माइंड बी be friend with us, the wine rolls out with pipes, he makes a strong fire roar and flourish, his friendship is God, we praise him। कहने का मतलब हम हवा से यदि दोस्ती करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो हमें खुशी देगी और हम हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा खुश खुश रहेंगे। क्वेश्चन है, what does the poet advise, poet की जो है अभिव्यक्ति क्या है, the poet advised to build strong homes and make a body strong। The wine blows in strong fire, क्या करती है हवा, टू की फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विद द ही मींस डायरेक्शंस, तो क्या है यार सीट फास्ट हो सकता। अब पोयम थ्री पे आते हैं, पोयम थ्री में भी कविता जो है वो इस प्रकार है, व्हेन द ह्यूमिड शोज हर ओवर ऑल द स्टोरी फियर एंड द मर्चरी डार्कनेस Gently weeps in rainy layers. What it means to press and pillow, or a cottage chamber bed and listening of the patter of a soft hymn. Question दिया है, humid shadows in above abstract means क्या है,
डार्क क्लाउड। नेक्स्ट आंसर, व्हाट डज द पोएट लाइक टू व्हेन इट रेन्स, वर्षा के बारे में कवि की क्या कल्पना है? तो व्हेन इट माइंड द पोएट फील डिलाइटेड टू बी फॉर हेड बस इट अगेंस्ट द पिलो ऑफ ए कॉटेज कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द पैटर्नस ऑफ द रेन। Which word the accent means depression? Depression का जो है इसका उत्तर क्या होता है? इसका उत्तर है melancholy। फिर दूसरी कविता। Every pinkle on a shingles has a echo and a heart and a thousand dreamy fancies into busy beams start and a thousand reflections where this air threads into room and listen in a quarter of a rain अपॉन द रूफ। मतलब छत के जो नीचे टाइल्स होती है उस पर जो बारिश की बूंदे गिरती है वो कितनी अच्छी लगती है और बहुत मन को क्या करती है, आनंदित करती है। तो उसके क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन। इसका एक्सट्रैक्ट जो है सार क्या है? इसका सार क्या है? रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश का आना। ठीक, फिर सेकेंड, व्हिच वर्ड इन अ एक्सट्रैक्ट मींस साउंड रिफ्लेक्टेड, इको। See, what do you mean by the phrase a thousand recollections wear any air threads into wood? Uska answer hai, this phrase means a number memories intelligent from a beautiful picture and their recollections. Let's see, what do you mean by the phrase a thousand recollections wear air threads into wood? Now its memory comes by mother as a used to. We regard the darling dreams near the softer down. I feel back to room and first silent frame which are played upon his shingles और उसके बाद है by the patter of rain। तो identify the course, इसका उत्तर होगा कोर्स के लिए, यानी इसके जो कवि के लेखक हैं इसका नाम क्या है, poet का। The single major memory that comes of a poet in of his mother and her town look to आएगा Who are the darling dreams of the poet refers to? तो poet ने कवि ने किसको बताया? Darling dreamers of a poet, sibling of childhood when they lovely sleeping. A poem for I will arise and go on now and go to in spring in a small He'll blend the air of clay and bonus made nine B pros I will have to anyone who is the poet of a from which a extract is a taken answer is the poet shall be nice have been rode in a hive of honeybees and in spring third is who is a poet of the poem From which the above extract is taken? इसका उत्तर है W. B. Yeats. फिर B. I will arise to grow now. I always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds and the sheer violent strain on a roadway or on the pavement gray. I hear in the deep herds crow. Questions इसके दिए गए हैं. तो first का है true या false देखते हैं. फर्स्ट क्या क्या ट्रू है, सेकंड का आंसर द पोएट हियर्स लो सेकंड द लैपिंग शोज एंड क्रो। ठीक बच्चों, इसी प्रकार पोएम फाइव है, पोएम फाइव की क्वेश्चन और आंसर है, आप भी इसको लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार पोएम सभी पार्ट है, क्वेश्चन और आंसर। ठीक इसी प्रकार पोएम सिक्स, पोएम सिक्स जो कविता है वो दी गई है, रिमेम्बर नो मैन द स्ट्रेंथ नो कंट्रीज फॉरेन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी बीट्स लाइक कवर द बैंड ऑफ ब्रदर वॉर अपॉन इन अ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाइक दे टू कवर टू सन एंड एयर और वाटर एंड फेड बाय पीसफुल हार्मनी द फॉर लॉन्ग स्टे विद देयर हैंड आर ऑन एंड द देयर लाइंस बी लेट अ लेवर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स What uniform do you think poet is speaking about? इस बारे में यूनिफॉर्म के बारे में, जब भी भारतीय संस्कृति की
ने पूछा है। बच्चों तो ये हो गए पोयम सिक्स, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर, और इसका कविता का जो दूसरा भाग है वो ये रहा। इसमें भी आपको कविताएं लिखी है, कविताओं में से क्वेश्चन बने हैं और इसके आंसर इसी में आपको मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार होमवर्क दे रही हूँ मैं, पोयम एट में आपको ये दी है कविता, ठीक कविता के ये दिए हैं प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो ये आप प्रश्न पढ़ेंगे और इसके फिर उत्तर देंगे। ठीक इसी प्रकार पोयम नाइन का होमवर्क है, ये दी है आपकी कविता, उसके बाद प्रश्न, प्रश्नों के आंसर है उत्तर, तो आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। दिस इज होमवर्क, ये कविता, प्रश्न, क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नों के उत्तर आंसर होते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना याद करना है और स्पेलिंग लिखना अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।